पूरे के गुण दीन दुनिया के मालक धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र चरण सरण विच जुड़ बैठे गुरु की प्यारी साध संगत धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी हुई फतेह बुला के हाजिरी करवाइए। सारे प्यार नाल आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदवां दी अपार कृपा सदका बंदगी वाले भगती वाले संत महापुरशां दे तप स्थान मुक्तिया जाण विखे ऐतवार दे दीवान दे समय थाली भर रहे आ, जिथे बैठ के लंबे समय तो आप संगतां गुरबाणियां जुड़ रही रागी सिंघां ने बारी बारी सारिआं नूं गुरबाणी राही आप महाराज दे रस कने कीर्तना जोड़िया। ढाडी सिंघां ने भी गुरु साहिब दे जीवन दे विचों आपां नूं सत्संग साधन करवाया। परमेश्वर ने मेहर कीती दया कीती सानूं इह समां मिलिया। ऐसा समां बगैर सानूं दी कृपा तों तो चंगे कर्म तो बगैर प्राप्त नहीं होंदा। जो महाराज ने चंगिया कर्मों का फल सानू मनुखा दे बख्शी कीती है, जिते आप समय समय अनुसार निर्मल किया जाण के हाजिरी भर के महाराज की बाणी सानू करके समय को लाभ प्राप्त करते हैं। सत्संग सरवण कर रहे थे धन धन बाबा बुढ़ा जी के जीवन का, जिन्हें अपना सारा जीवन गुरु साहब के देखे लाया। महाराज ने कृपा की उन्हें जिस वेले पातशाह श्री हरगोबिंदपुर नगर वसाया महाराज ने व्यासा दया के कंधे उत्ते हले नाम नहीं रखिया, ये महाराज उत्ते पधारे दर्शन दे रहे हैं। एक जफा संगत का काबल पधार वालों गरीब महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शनों श्री हरगोबिंदपुर पहुँचे दस मेले कीते, दस मेले करके वापस जा रहे हैं। तो श्री अमृतसर सरोवर के दर्शन इशनान किए हैं। उस टाइम बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी होने वो जथे को पहुँच करके संतान राजे जी पूछा पता लिया भी संत कितों आए हैं। हम दस भी धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दर्शन करके आए हैं। महाराज रियाड जी इलाके व्यासा दरिया के कंधे देते एक नगर वसा के उसे दर्शन देंगे। सतसंग जहाँ नगर वसा सी उत्थे रहने वाला भगवान का घेर जिन महाराज ने बहुत वकीली की ईर्षा की बड़े गुरुआ के नाल लैके गाली गंदी गाली बहुत भद्दे लफ्ज वरते किए। महाराज इशारे न भाई भी नहीं जाने हुए हूँ दो बार कट्ठे महाराज डे गया मर गया दरिया भी छिड़ दिता। ये महाराज ने बहुत अच्छे सुंदर नगर बसाया, बहुत मजदूर लगे केंद्र विश्वकर्मा जी भी मेहनत भी अदूप धार के उसकी सेवा करने आए। मेरे नगर